गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता और वीर भीम और हनुमान पाठ का सारांश जो है महाभारत में समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र जब द्रौपदी को साथ लेकर के 12 बरस के वनवास के बाद, ये वनवास की सूचना मिलते ही जब ये लोग वनवास की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर मैं तो देख नहीं सकता हूँ, जरा मुझे ये तो बताओ ये लोग कैसे जा रहे हैं। तब विदुर ने कहा कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर अपने कपड़े से अपना चेहरा ढक करके जा रहे हैं, भीमसेन अपने दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहा है, अर्जुन जो है वो कुछ हाथ में बालू लिए बिखेर रहा है, और नकुल और सहदेव अपने शरीर पे धूल लगाए हुए हैं, और द्रौपदी अपने आंसुओं को रोते हुए आंसुओं से अपने चेहरे पर बालों से ढक करके बिखरे हुए केशों के साथ मुख को ढके हुए आंसू बहाते हुए जा रही है। ये सारी चीजें सुनकर के धृतराष्ट्र को थोड़ी सी आशंका और चिंता और अधिक प्रबल हो गई कि कहीं कुछ और भी गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन विदुर के बार बार धृतराष्ट्र के आग्रह करने पर भी कि आप पांडवों से संधि कर लें, बार बार समझाने पर एक दिन उनको बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम हमेशा पांडव का ही पक्ष लेते रहे तो तुम यहाँ से चले जाओ, और उनको अपने राज्य से वहां से उनको हटा दिया। विदुर भी बहुत दिनों तक इस तरह के, उन्होंने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इस वंश का नाश निश्चित ही है। और इस प्रकार से वो जंगल में जहाँ पांडव रह रहे थे वहां वो जा करके रहने लगे। कुछ दिन जब बीत गए तो धृतराष्ट्र को उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि मेरा छोटा भाई विदुर जो है वो बहुत ही नाराज हो गया, और संजय को भेजे कि संजय जाओ उसको समझा बुझा करके यहाँ पर ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तब संजय जो है विदुर को लेने के लिए युधिष्ठिर के पास गए, हस्तिनापुर से वहां गए और युधिष्ठिर को समझा, विदुर को समझाया कि विदुर वापस चलो, नहीं तो महाराज तुमसे मिलना चाहते, नहीं तो वो अपना प्राण जो है वो त्याग देंगे। फिर विदुर ने युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। इसी बीच में क्या हुआ कि महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया गया। आदर सत्कार करने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे भाई के बच्चे जो हैं वो कुरु जंगल वन में रह रहे, क्या आपसे उनकी मुलाकात हुई? तब महर्षि मैत्रेय ने कहा कि हाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये जो भी हुआ है, युधिष्ठिर से मेरी मुलाकात हुई, ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ हस्तिनापुर में, और वो आपके भाई के बच्चे थे, इस तरह से उनको वापस ले आना चाहिए। और उन्होंने दुर्योधन को भी बहुत ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन जो है उनकी एक भी बात को नहीं माना और वहां से उठ करके वो चला गया। उसके बहुत समझाने पर भी नहीं माना और वहां से वो चला गया। उसको जो है यही लगता रहता था कि अब तो युद्ध निश्चित है और हमें युद्ध ही करना होगा। फिर श्री कृष्ण को जब इस घटना का बारे में पता चला तो वो भी कि पांडव वन में रहे तो पांडव से मिलने के लिए वो भी गए। वहां उनके साथ था चेतिकात, कैके राज, भोज, वृष्टि, चेतिराज, धृतकेतु तो आदि बहुत सारे जो पांडव से प्रेम रखते थे वो लोग इनसे मिलने के लिए गए। फिर द्रौपदी को बहुत समझा बुझा कर कहा कि तुम्हारे इन आंसुओं का बदला अवश्य लिया जाएगा, तुम परेशान न हो। द्रौपदी को समझाया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण जो है अपनी बहन सुभद्रा और उनके अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को लेकर के वापस लौट आए और उनका द्वारिका चले आए, और धृष्टद्युम्न जो है वो पांचाल नरेश उन पुत्रों को लेकर के वापस चला आया। फिर वहाँ जंगल में भीम और हनुमान जंगल में आश्रम में के बाहर जो है द्रौपदी खड़ी थी, अचानक उसको एक फूल दिख गया। उसने भीम से कहा कि क्या तुम ये ऐसे फूल मुझे ला सकते हो? भीम ने कहा हाँ मैं ला सकता हूँ। और इस प्रकार से बहुत सारे नदी तालाबों नदों को पार करते हुए भीम ने उस फूल की तलाश में जंगल जंगल आगे की ओर बढ़ते चले गए। तब तक उन्होंने देखा कि एक बंदर रास्ता रोके बीच रास्ते में लेटा हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हटो। उसने कहा कि भैया मैं तो नहीं हट सकता हूँ, अगर तुम जो है यहाँ से मेरा पैर तुम हटा दो। उसने कहा ये तो भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जो मनुष्य के उसमें बोल रहा है।
मैं तो उसने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं भीमसेन को बड़ा क्रोध आया गया। उन्होंने कहा जानते नहीं, मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ और मुझे रोको मत, मुझे तुम रास्ते से हट जाओ। उन बंदे ने कहा देखो भाई मैं बहुत बूढ़ा हूँ, यदि तुम हटा सकते तो मेरे पैर को हटा दो या फिर लांग के चले जाओ। तो लांगना तो उचित नहीं था, तो युधिष्ठिर भीम जो है उसके पैर को उठा करके दूर हटाने लगे, लेकिन वो पैर तस से मस हिला ही नहीं। फिर उनको बहुत बहुत देर तक परेशान हुए। फिर उन्होंने कहा हे वानर श्रेष्ठ आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि तुम हनुमान को जानते हो, मैं ही हनुमान हूँ। फिर उनके पैरों पर गिर पड़े और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि विजय तुम्हारी होगी और तुम्हारे भाई के रथ पर ऊपरी पताका पर मैं विराजमान रहूंगा और तुम लोगों को इस प्रकार से विजय तुम्हें ही मिलेगी। इस प्रकार से हनुमान जी से भी बहुत सारा शक्ति प्राप्त करके फिर अचानक उनको फूलों का फूल वहीं पास के तालाब में उन्होंने फूल देखा। फूलों को देखकर उनको द्रौपदी की याद आ गई और वो झील से फूल को लेकर के वापस अपने आश्रम की ओर लौट आए। इस प्रकार से आपकी इस 2 चैप्टर का सारांश यहीं पर समाप्त होता है।